एनाकोंडा निकल जाए, निकल जाए। हीरा देखो हीरा, एनाकोंडा। वेलकम बैक टू द चैनल। सो क्या है चल आपके, आई होप सभी बहुत बढ़िया होंगे। फिलहाल मैं ठीक नहीं हूँ क्योंकि गला और मेरी दोनों की बैंड बजी पड़ी है। बहुत दिनों बाद व्लॉग्स शूट कर रहा हूँ। अगर भाई कहीं बाहर निकले तो ऑब्वियस है कुछ तो मना है ना। तो आज मेरे साथ है भाई, ये बाल हुआ करते थे इसके चेहरे पर, यानी दाढ़ी हुआ करती थी, बट आज है नहीं, बिल्कुल चिकना हुआ पड़ा। देखो लड़का सुबह सुबह उठ के ख्याल आ गया कि आज चिकना होना है, ट्रिमर निकाल के और रगड़ दिया पूरे मुंह पे रगड़ दिया भाई लड़के ने, सारे बाल हटा दिए। अरे मेरे को परसों में एक बंदा मिला था, वो कह रहा भाई तुम तो मतलब वो मेरे से छोटा है एज में, मैं 22 साल का हूँ, वो 20 साल का है। भाई आधों को दुख हो जाएगा अगर मैं इसकी रियलिटी बता दूं ये क्या है। नहीं नहीं ऐसे कैसे भाई, तुम नई बात कर रहे हो, मैं 22 साल गई हूँ। अच्छा, तो वो क्या सचिन भैया तुम तो यार मैं बुढ़ा लग रहा हूँ, तुम जवान लग रहे हो। मैंने कहा अभी तुमने मुझे बिना दाढ़ी के देखा, बिना दाढ़ी के देखा तो और जवान लगूंगा मैं, फिर मैं 19 साल का रखता हूँ, 28 साल का। अभी आधार कार्ड उठवा गया अपना, वो सॉरी क्या कहते हैं उसे, पहचान पत्र, पैन कार्ड, जो भी 28 साल के बाद बनता है वो उठवा गया। मतलब ये 18 साल के बाद तो बहुत कुछ बनता है। नहीं नहीं भाई मैं तो सीधा सज्जन पुरुष हूँ, और पुरुष ही नहीं मैं महापुरुष हूँ, तो जो बनाता है वो करवा देता हूँ। तो फिलहाल भाई गेड़ी में हमने निकले, हमारी तो गाड़ी केजरीवाल साहब ने बंद की, उसी गेड़ी मार रखी है, ऐसी तैसी कर दी भाई इस आदमी ने बिना बात। तुम्हारे पसंदीदा थे केजरीवाल? नहीं यार गलत है ये, गलत मतलब गलत हरकत है। योर लव केजरीवाल? मेरा तो नहीं है ऐसी की तैसी भाई। तुम तो कहते मुझे से बहुत प्यार है। तुझे होगा मेरे को तो ठीक है। तुम तो कहते कहां जामे लगा चूमूंगा। नहीं वो बात अलग है, चूमने की भी तो भाई उसके बाद तुम चूमने की बात कैसा लगे, उसे चूम लोगे तुम, उसकी बीवी से ना चूमे तुम उसे चूम लोगे। ये अंदर की बात बोल देता भाई, गलत आदमी। गलत आदमी नहीं, गलत आदमी। उसकी शक्ल कैसी है पता है तुम्हें? कुछ कैसी भी नहीं है, किसी को कुछ मत कह। उसकी शक्ल बहुत सही है, मैं कह रहा अरे भाई वही शक्ल कैसी है, बहुत सही है शक्ल, बहुत सही। मगर भाई इस आदमी ने गलत किया हुआ है। बताओ यार अब कोई आदमी ने गाड़ी खरीदी हुई है, BS3 BS4 नए नए नॉर्म्स लेके आ रहे हो, मतलब पेट्रोल चल सकती है डीजल नहीं चल सकती। अरे तुम जिस जगह गए हुए हो अभी, तुम्हारे काफिले में कितनी गाड़ियां डीजल है, तुम्हारे को कोई मतलब नहीं। हाँ इनके इनके लिए कोई वो नहीं, इनकी गाड़ी ऑक्सीजन देती है, इनकी गाड़ी ऑक्सीजन देती है, ऑक्सीजन देती है भाई, ये ऑक्सीजन ही पेड़ लेकर गाड़ियों के साथ लेके। बिल्कुल सही बात है भाई, एक बंदा साइड में देख रहा था, हंस रहा था, कह रहा केजरीवाल की बात कर रहे हैं। जो भी थे मगर भाई गलत है भाई, हमारी डीजल कार्स बंद कर दी। इनके काफिले में भी तो इनोवा पिनोवा चलती हैं, इनोवा तो जो ये चलवाते हैं मतलब जिसमें बैठ के चलते हैं वो तो डीजल है, पेट्रोल तो है नहीं, और जो मॉडल है ऑब्वियस है वो ऐसा तो है नहीं कि अभी का होगा। साहब मान जाओ हमारी बात, ऐसा ना करो हमारे साथ। आप कहते थे वैगनार में चलेंगे, मगर आप आलीशान घर लेके बैठे हो, आप 43 करोड़ घर में रहते हो। हाँ और वैगनार में चलने की वजह आप पोर्शे वर्शे पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियाँ होंगी आपके भाई, वो दिन खड़ा था वहाँ पे दुनिया में देखते हैं भाई क्या क्या कौन कौन सी गाड़ी चल रही है। मैं वहाँ खड़ा था कृष्ण नगर के कोने पे, कृष्ण नगर ब्लैक कलर की वो देखी थी मैंने अभी इसके पास, अभी एक न्यूज उसमें आ रहे थे कौन सी ब्लैक कलर की MG की ग्लॉस्टर ब्लैक एडिशन भाई, मैं बंदे को देख के हिल गया, मैंने कहा यार ये तो वादा कर रहा था कि मैं उसमें चलूंगा वैगनार में बैठ के, मगर ये तो भाई बड़ी खतरनाक सी गाड़ी में आ रहा है। गलत बात है भाई ये, गलत बात, मतलब पब्लिक के साथ तुम धोखा कर रहे हो, जब तुम्हें चाहिए होती है वोट तो तुम वहाँ जाते हो बिल्कुल रोड पे कि हम ऐसा कर देंगे हम वैसा कर देंगे, और अब आपको सारे काम हो गए तो अब आप इस तरीके की गलत है भाई। तो फिलहाल पहुंचते हैं भाई अपनी मंजिल पे और वहीं जाके थोड़ी बहुत आपसे गुफ्तगू करते हैं। लो भाई हम आ गए अपने अड्डे पे, कहीं और जाने लायक तो हम रहे नहीं फिलहाल की डेट में क्योंकि तबीयत भी ख़राब है और गाड़ी भी हमारी बंद है। तो फिलहाल हम यहाँ आ गए सुंदर नर्सरी, चंदर नर्सरी, और कोई जगह ही नहीं बची भाई दिल्ली में जहाँ घूम घाम ले। हम उठते हैं और यहाँ आ जाते हैं, यहाँ से एक कॉफ़ी पीते हैं मस्त सी, और यहाँ अब जान पहचान अच्छी खासी हो गई है। साइड से लेना इधर से भाई, तू इधर लेना। नहीं नहीं तो क्या कर रहे हो तुम मोबाइल में?
मुझे कुछ तो कर दे दो। कुछ नहीं कर रहे तुम, कुछ तो कर रहा हूँ। तुम कुछ नहीं कर रहे, पता नहीं क्या मोबाइल में करता रहता है वो खुला हुआ है। क्यों जाऊँ ना? कुछ तो है, कुछ तो है, कुछ तो लोग क्या कुछ लोचा कर दिया क्या इसके साथ कल? नहीं तो अनिल भैया का फोटो दिखाया था तो पैसे नहीं देता इसको क्या इसको परसों दिखाया था जैसे भीड़ थी। मैंने कहा अनिल भाई का भाई वो फोन करके बोले जाओगे कैसे कैसे भाई कैसे कैसे पैसे मांगेगा दे देगा, नहीं तो फोटो दिखा दे काम चला कोई बात नहीं। फिर मैं उस दिन पता क्या था, पार्क में 200 रुपए थी और हम जल लोग बुझाते। मैंने कहा तो सचिन तेरा चूतिया कैसा आदि है भाई पैसे बचाने के चक्कर में। देख लो भाई कैसे कैसे लोगों के साथ में रहता हूँ भाई, मैं आज तक ऐसे काम नहीं किए और ये यहाँ पे ये बवंडर मचा रहा है। देखो देखो भाई अब पैसे लगेंगे या नहीं लगेंगे क्या दूंगा मैंने भैया बात मांगेगा दे दूंगा, कोई बात नहीं भाई पहले से ही भेज देते नहीं बोले दे रहा हूं मांगेगा मैं भी देखता हूं लेता हूं। DL3 अनिल भैया, अनिल भैया बात ना भाई DL लास्ट की कार भाई लास्ट की कार 4268 अनिल भैया से बात करा रहा हूं। कहाँ से कैसे कैसे सेटिंग करता बंदा। ओ भाई ओ भाई हम तो रह गई हुई ठुल्ले, मतलब इसने देखो ये क्या काम क्या काम कर दिया भाई बंदे ने 200 रुपए बचा लिए भाई 200 रुपए चोर चोर यही लगा दे भाई गाड़ी यही लगा दे। मैं तो भाई इसे देख के हैरान भाई बंदा है जाले में क्या है। ठीक है भाई राम इतना चोर आदमी इतना चोर, ये सेटिंग है सेटिंग नहीं है भाई ये अंदर लगाओ कहां पीछे ही लगा दे जब जगह है भाई। ओ बाबा रे मतलब मैं तो देखता ही रह गया भाई ये हुआ क्या। मैंने ऐसी आज तक मतलब इतनी जान पहचान होने के बावजूद मैंने ऐसी सेटिंग नहीं चलाई अपनी। हमारे बड़े भैया यहाँ पे जो यहाँ के मैनेजर है। Have coffee. So, आज है कॉफी 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 वाला डे कैफे कॉफी कैफे कॉफी डे। ये हमारा कैफे, ये कैफे है और ये कॉफी ये गाइस ये मैं हूँ ये मेरी कॉफी है और हम और यहाँ पे हम कॉफी पी रहा है। इसको देख के कुछ और मत सोचना या समझना क्योंकि इसके पीछे तो भैया बहुत ज़्यादा चक्कर वाला खेल चल गया और वो चक्कर के चक्कर में हम आना नहीं चाह रहे। बाकी आज ही भीड़ भाड़ ठीक ठाक है, बहुत अच्छी भीड़ भाड़ है। यहाँ झूले सावन में झूल रहे लोग बहुत और यहाँ रखा है मैं नया कैमरा Action 3। सबसे बड़ी बात लोग मतलब पेट फ्रेंडली है यार, सब लोग अपने इलाके में यहाँ पर दोनों तरह के पेट आ सकते हैं बोलने वाले बिना बोलने वाले यहाँ आते पेट जो जाते हैं हमसे सेट काश मेरे पास भी गर्लफ्रेंड होती क्या करता लेके घूमते ऐसे कंधे उठा के ऐसे भाई खुदा ने जैसे सब कुछ दे दिया हो ना फिर वो इसी तरीके की बात खुदा करता। कौन खुदा भाई मैं भगवान का बंदा हूँ जिसका अब तो इसे काटोगे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं भाई मैं भगवान का बंदा हूँ, भगवान श्री कृष्ण का उनका बेटा हूँ मैं, राधा राधा माता का लौंडा हूँ और बताओ बस बढ़िया ऐसा ही होना चाहिए। और ये ब्रेकर इसमें मैं कूद रहा हूँ यार कितने भाई जो जितने भी पेड़ हैं यहाँ पे सारे सफेद हुए पड़े हैं सबने बीट मार रखी है। अभी हम बैठ गए थे इनके ऊपर ये बच गए बस इतनी ऐसे गई मैंने कहा उठ लो फटाफट नहीं तो बतासा फेंक देंगे तुम्हारे ऊपर। भाई देखो देखो विश्वास नहीं आ रहा देखो पत्तों का क्या हाल किया हुआ सारे पत्ते सफेद ये प्रकृति के रोड दिखाओ रोड पत्ते दिखा दे रोड दिखाओ रोड की भी ऐसी कंडीशन है भाई देखो ये खाते हैं गुटखा छूते रहते हैं ये सफेद वाला चूना खाते हैं चूना 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 ये खाते चूना इनके पास है टीवीएस की लूना भाई मोर हाय हाय मोर्स
चांदी की डाल पर। अरे बस कर भाई, बस कर बस कर भाई, ये बोलने में एक बार शुरू हो जाए ना फिर ये रुकता नहीं है। ओ भाई क्या है एनाकोंडा भाई, मजाक नहीं कर रहा, देखो मजाक नहीं कर रहा, देखो हीरा। अरे यार तुम यकीन नहीं कर रहे, देखो हीरा, देख रहे हो गाइस, गाओ मैं दिखाऊं भाई इसका एनाकोंडा। भाई गाइस को एनाकोंडा दिखा देता हूं, एनाकोंडा निकल जाए, निकल जाए। हीरा देखो हीरा, एनाकोंडा। तो हमने तुम्हें आज बहुत सारे पक्षी और जानवर दिखा दिए हैं, दो जानवर आपके सामने हम मैं हूँ खरगोश और ये है बैल और एनाकोंडा और मोर हमने तुम्हें दिखा दिए। और यहाँ पे शाम को घूमने ऐसा लगता है जैसे हम कितने करोड़पति हैं। सो गाइज मैं हूँ 2000 मिलियन का ऑनर बकवास बकवास। और ये है मेरे से थोड़े से पैसे कमल के पास, तो ये है 1999 मिलियन के डॉलर मिलियन के ऑनर। सॉरी गाइस हम अभी नए अमीर बने इसलिए हमें बोलना नहीं आ रहा। तो कोई बात नहीं, जब हम थोड़े से पुराने जाएंगे तो बोलना भी सीख जाएंगे। नया नया पैसा आदमी को अंधा कर देता है। तो हमें ब्रेकर भी दिख रहा और हम ब्रेकर भी ऐसे टापते हुए जा रहे हैं। और बकवास कर थोड़ी सी। और ये भी मैंने पार्किंग यहाँ ओपन करवाई है, तो इस पार्किंग का जितना भी किराया था सब मेरे पास आता है। मुश्किल से दो या तीन गाड़ी खड़ी होती है, तो 30-40 रुपये आते हैं मेरे पे रोज के। मेरे को दे देने वाली क्लिप मैं अपने में डाल दूंगा प्लीज़। तो भाई पी बड़ी आर्किंग छोटा, पूरा बना के पार्किंग पी बड़ी आर्किंग हाँ तो है ही, देखो पार्किंग पी के आगे आर्किंग छोटा पार्किंग। तो भाई हम लोग अभी इसके आउटस्कर्ट्स पे, मतलब इस जो सुंदर नर्सरी है इसके बैक साइड में पूरे सराउंडिंग में एक रोड बनाई हुई है उस पे। शाम को घूमने टाइम हो रहा है अभी, टाइम दिखा दूँगा आपको, ये देखो 5:32। और क्या ज़बरदस्त नज़ारा, इस नज़ारे के अंदर मैं अकेला घूम रहा हूँ बेचारा। ये देखो ये आ जाइए गाजियाबाद वाली। हाँ भैया यार मेरे को पैसे भाई, बिल्कुल बिल्कुल जंगल है, बिल्कुल जंगल देखो चारों तरफ बस सुनसान जंगल जंगल, मतलब जिस जगह हम हैं वो प्रॉपर जंगल है। सो भाई इसका पूरा चक्कर काट लेते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं अपने घर, क्योंकि पैसे वसूल करने हैं जो हमने दिए नहीं है। पैसे नहीं दिए भाई आज इसने लौंडे ने। भाई हद है, मतलब कंजूस, कंजूस यार ये बात नहीं है, ये नहीं। सेटिंग की बात है भाई, मेरी यार दोस्त अच्छी है, ये कोई बात है नहीं, ये कोई बात, अरे ये कोई बात क्यों नहीं, नहीं, नहीं अरे नहीं। तुम्हें नहीं पता भाई तुम्हारी नहीं इतनी तगड़ी सेटिंग, मेरे से तो प्यार करते लोग। मैं उनको छोटा भाई हूँ भाई, वो कहते हैं तुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं बड़ा भाई तेरा बैठा हूँ, कोई दिक्कत थोड़ा है। पैसे मत दे आ, मगर पैसे मत दे भाई, कहते हैं भाई उनका प्यार मेरे लिए बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। सो भाई इस प्यार को यूं ही आगे बढ़ाते हुए इस व्लॉग को करते हैं हम लोग यहीं पे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, बाय बाय।